हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर कफील खान बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सस्पेंडेड असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि पिछले दो साल से सस्पेंडेड है। एक कंट्रोवर्सी पिछले दो दिनों से क्रिएट कर दी गई है, डॉक्टर कफील वर्सेस आईएमए बना दिया गया है। जिस दिन से कोलकाता के एनआरएस एमसीएच कोलकाता मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स के ऊपर वायलेंस हुआ था, उस दिन से मैं उस इंटर्न्स के साथ हूँ और हर उस डॉक्टर के साथ हूँ जिसके साथ वायलेंस हुआ है। आई एम अगेंस्ट द वायलेंस। पर जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस सारी चीज़ों को, उसके मैं खिलाफ हूँ और मैं उस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं डॉक्टरों के साथ हूँ, इसके साथ साथ मैं आईएमए के प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भी फैमिली है, मुझे भी रोटी कमानी पड़ती है। जिस तरह से जिंदगी दो सालों से योगी गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर और अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को प्रताड़ित कर रही है, उसमें मेरा साथ दें। मैंने जेल में रहते हुए भी जनवरी 2018, मार्च 2018, नवंबर 2018, जनवरी 5 जनवरी 2019 को भी आईएमए प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर 7 जून के ऑर्डर में क्लियरली योगी की यूपी गवर्नमेंट से बोला है कि डॉक्टर कफील के सस्पेंशन के बारे में 90 डेज के अंदर यानी कि 7 जून 2019 तक डिसाइड करके बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को ऑर्डर किया है कि जितने भी डॉक्टर कफील के सस्पेंशन अलाउंस है, जबकि करीब करीब 16 लाख रुपए आते हैं, वो उनको पे किए जाए। पर योगी गवर्नमेंट का स्टेट स्पॉन्सर विक्टिमाइजेशन कंटिन्यूड है। ना उन्होंने मेरा सस्पेंशन रिवोक किया है, ना मुझे 1 रुपये पैसे दिए हैं, सस्पेंशन अलाउंस रोक करके रखा हुआ है। तो मैं आईएमए प्रेसिडेंट से इस वीडियो के द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरी भी हेल्प करें।